हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि IQ Z7 Pro फ़ोन में आप लोग गेम मोड को कैसे चला सकते हो। अगर आपके पास एक IQ Z7 Pro फ़ोन है और इस फ़ोन में जो है आपको गेम मोड को एक्टिवेट करना है, अगर आप लोग इस फ़ोन में गेम्स वगैरह खेलते हो तो इस फ़ोन में गेम मोड होता है गाइस, जिसको आप लोग जो है एक्टिवेट करके गेम में खेलते खेलते जो है आप लोग बहुत सारे फीचर्स को भी यूज़ कर सकते हो। तो कैसे आप लोग अपने इस फ़ोन में गेम मोड को चला सकते हो गाइस, तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा आप लोगों को। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गेम मोड को चलाने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने इस फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गाइस अल्ट्रा गेम मोड का। तो इस अल्ट्रा गेम मोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद गेम साइड बार का ऑप्शन होगा, इसको ऑन कर दीजिएगा तो आपको गेम में जो है बहुत सारे शॉर्टकट सेटिंग्स देखने को मिलेंगे। उसके नीचे देख सकते ई स्पोर्ट मोड है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो शॉर्टकट बार है उसमें जो क्या क्या आप लोग यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर डिस्टर्बेंस अगर हो रहा है, नोटिफिकेशन वगैरह बंद करना है तो इसको आप लोग यहाँ पर से कर सकते हो, देख सकते ई स्पोर्ट मोड को ऑन करके। उसके बाद बैक करेंगे तो यहाँ पर 4D गेम वाइब्रेशन का ऑप्शन होगा, इसको यहाँ पर से जो है अगर ऑन करेंगे, जैसे कि आपको गेम साइड मार में मिलेगा, इसको ऑन करने से क्या क्या होगा आप लोग यहाँ पर से देख सकते हो। वाइब्रेशन वगैरह जो है एकदम अच्छा हो जाएगा 4D टाइप का। उसके नीचे देख सकते हो नोटिफिकेशन को आप लोग ब्लॉक कर सकते हो, कॉल्स वगैरह को जो यहाँ पर से म्यूट कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो इन सब सेटिंग्स को जो आप लोग गेम मोड में यूज़ कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने IQ Z7 Pro फ़ोन में आप लोग गेम मोड को चला सकते हो। तो कैसा लगा गाइस आप लोगों को ये वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।